कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में क्या कुश्ती और निशानेबाजी को एंट्री मिलेगी? क्या अब भी कोई विकल्प है? जानेंगे इस वीडियो में। भारत के खिलाड़ी जिन खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनमें से तीन अहम खेलों को 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स से हटा दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के मेजबान विक्टोरिया ने कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी को अपनी प्रारंभिक खेल कार्यक्रम सूची से हटा दिया है। भारत के लिए यह खबर मायूसी लेकर आई है। हालांकि T20 क्रिकेट समेत कई खेल जोड़े भी गए हैं, लेकिन क्या अब भी कोई रास्ता है जो कुश्ती और शूटिंग को एंट्री मिल सके? अगर ऐसा हुआ तो भारत के खिलाड़ी एक बार फिर अपना दमखम दिखा सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी CGF ने ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया को 2026 संस्करण के मेजबान के रूप में पुष्टि की। यह मेलबर्न, जेलोंग, बेनिगो, बल्नारेट और गिप्सलैंड सहित कई शहरों में आयोजित होने वाला पहला संस्करण होगा। आयोजन समिति ने प्रारंभिक सूची में जिन विषयों को शामिल किया है उनमें जलीय विज्ञान, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, बीच वॉलीबॉल, T20 क्रिकेट, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, हॉकी, लॉन, बॉल और नेटबॉल के अलावा रग्बी, सेवेंस, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ट्रायलथॉन और भारोत्तोलन यानी वेटलिफ्टिंग शामिल है। वहीं अब इस विषय पर कई विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने दावा किया कि भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। पुनिया ने द ट्रिब्यून को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि यह फैसला आखिर किस आधार पर लिया गया है, क्योंकि कुश्ती सबसे पुराने खेलों में से एक है और लगभग सभी देश हमारे इस खेल को खेलते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले उन्होंने शूटिंग हटाई और अब कुश्ती। यह फैसला न केवल दूसरे देशों के एथलीटों के खिलाफ है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से भारत के खिलाफ है, क्योंकि हम इन खेलों में अच्छा कर रहे हैं। शॉटगन शूटर और खेल रत्न पुरस्कार विजेता रंजन सोढ़ी ने भी कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन दो खेलों में भारत का दबदबा रहा है उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों से हटाया जा रहा है। यूरोपीय राष्ट्र भी अभी भी अधिकांश देशों को अपने से कमतर मानते हैं। वे यह नहीं समझ सकते कि हमारा जैसा देश बेहतर हो सकता है और इसलिए वे इन खेलों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप और कैसे बता सकते हैं कि उन्होंने आखिर 2022 में बर्मिंघम खेलों से शूटिंग क्यों हटा ली? क्या वास्तव में आप मानते हैं कि ब्रिटेन जैसे अमीर देश के पास रेंज बनाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है? कुश्ती 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं थी। 2022 के खेलों में निशानेबाजी को हटा लिया गया था, जिसका नतीजा ये रहा कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने पूरी तरह से हटने का आह्वान किया था। भारत को निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने की अनुमति देने के लिए IOA और CGF के बीच एक समझौता किया गया था। बाद में इन आयोजनों को भी वापस ले लिया गया था। फिलहाल जो मौजूदा घटनाक्रम है एक बार फिर इन दोनों निकायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकता है। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI दोनों खेल मंत्रालय से 2026 के खेल कार्यक्रम में अपने अपने खेल को बहाल करने की कोशिश में लगे हैं। WFI के चेयरमैन ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हम इस मामले में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW को एक पत्र लिखेंगे। 2006 में भी ऐसा ही हुआ था। UWW ने यह सुनिश्चित किया था कि यह बाद के संस्करणों के लिए वापस आए। हम इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का समाधान खोजने के लिए मदद के लिए खेल मंत्रालय और IOA से भी संपर्क करेंगे। हमें लगता है कि भारतीयों को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर माहौल तो अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आयोजकों ने यह कहा है कि वो इस साल के अंत में कुछ और विषय को जोड़ लेंगे। आयोजकों का कहना है कि 4 से 7 विषय जोड़ने की संभावना है। हालांकि इसके लिए खास तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नियमों के मुताबिक सभी नेशनल फेडरेशन के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और सभी खेलों के अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशंस भी शामिल रहेंगे और बारी बारी से सभी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे इस बात के लिए कि उनके खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स में क्यों शामिल किया जाए। हर खेल के लिए नेशनल फेडरेशंस वोट करेगी और उसके हिसाब से खेल का चुनाव होगा। यानी विकल्प अभी बाकी है। अब देखना होगा कि रेसलिंग और शूटिंग को क्या कॉमनवेल्थ गेम्स के 2026 में जो आयोजन होंगे उसमें जगह मिलती है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।